कैसे बिठा दे तेरी मर्जी है। गाइज हम लोग आए थे 24/7 तो यहाँ पे ना यो रखा था, रुक जा, अरे इसकी धरन डिगेगी तेरी ऐसी तैसी, अरे 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 गाड़ी नीचे पार्किंग की जगह है वहां खड़ी कर देते हम आराम से, पर यूं करो ऊपर ही चढ़ा दे। मैं कहले चढ़ा दिया, अब यहां देखे तरह से बंद कर रखा था यो पत्थर लगा रख के, वो टुकड़ा मैं हटा कर आता हूं, हटा तो दी। वैसे इसे देखो ऐसे नहीं कह दोगे यार, जिद्दी भी यार ताकतवर भी है भाई पटियाला, हुआ सीटी बज रही उनकी सही में कमर में लचक याद है कि मैं दिख रहा नहीं छोटे दे यो हाथ देख ले भारी ना, भारी था कितने किलो होगा वो, मजाक ना अपनी जगह तेरी कसम, चले पीस ले ले 5 किलो का भाई। अबे सही में 5 किलो अपन पटियाला के लाई मुड़वा दी थाने, तो मजाक ना पटियाला को हड़के में ले रहा है। पर हम एक फंक्शन में गए थे, हमने खाना खा लिया था वैसे तो, लेकिन इसने ना खाया था तो यो अब लेकर आया अपना, मैं थोड़ा सा बिजी था वहां, ये दूध पी रहा था थोड़ा सा बिजी था, मैंने कह रहा है थोड़ा सा बिजी था, देख लूं थोड़ा सा बिजी था तो हमने अब खा रहा है, तो इस चक्कर में 24/7 आए थे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होंगे, मजे कर रहे होंगे। नुकर इंग एक साइड लेना, छोरी बैठी गाड़ी में छेड़ के जाएंगे नहीं, हमें इंडियन कौन कहेगा। अरे नहीं गलत बात, हम तो वैसे ही करते हैं, तो मैं वैसे ही कर रहा हूं मजाक में, लड़की छेड़ दे कर पर। गुड मॉर्निंग गाइस, रात को भाई कितना भी खा लो पता ना 12 बजे के बाद अपना आप ऑटोमेटिक ऐसा रहा है, भूख लगने लग जावे दोबारा, क्या सिस्टम है क्या नहीं समझते बाहर है। एनीवेज मैंने एलुइश से बात करी थी, वो जो रेस की हमारी बात हुई थी हबीबी वर्सेस फॉर्च्यूनर की, वो आज नहीं हो रही, वो चंडीगढ़ गया कुछ गाड़ी काम था, कुछ नंबर वंबर मतलब पता ना कुछ काम है उसका गाड़ी का ही, उसके चक्कर में गया हुआ है, तो वो शायद कल आएगा या देखो आज ही आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो कल मतलब मेरा शूट है कल, तो कल नहीं एक दो दिन बाद, थोड़ा सा डिले हो गया रेस में, मतलब करेंगे पर एक दो दिन का डिले करके करेंगे, क्योंकि कल शूट है, आज शाम को एक सीन शूट करना है और परसों भी शायद शूट चलेगा, तो दो तीन दिन का थोड़ा शूट का थोड़ा सा पैकेज वैसा होगा बिजी वाला, पर फिर भी अगर बीच में कहीं टाइम निकल गया कुछ भी रहा तो कर आएंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा लेट मतलब दो तीन दिन के बाद करेंगे, करेंगे जरूर पर दो तीन दिन का डिले हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। कल जब वहां तक आ रहे थे भाई वापस, और शीशे में मैं दिख रहा हूँ अपने आपने इसमें, हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, कल जब वहां तक वापस आ रहे थे तो गाड़ी एक खड्डे से मैं थोड़ी सी चली गई थी, मैं एक बार इसका रात में देखना भूल गया था चेक करना, अब एक बार घर पहुंच के पार्किंग में लगा के देखूंगा, क्योंकि जो इसका पिछला टायर था मतलब अगला टायर निकल गया था, ऐसा कोई कुछ कुत्ता उत्ता सा ऐसा कट सा लग गया था ना, तो जो पिछला टायर था राइट वाला यो गड्ढे में गया था, तो मेरे को ऐसा फील सा हुआ जैसे इसका या तो अलोय मुड़गा हो या चटक गया हो थोड़ा बहुत, मतलब जो क्रैक्स आ जाएगा, एक बार देख लूंगा, क्योंकि इसमें पहले भी मेरे से किसी ने बताई थी थोड़ी सी दिक्कत है, और मैंने कहा अगर ये अब हो गया होगा बाय चांस, अगर टूट गया मतलब वो होगा मुड़गा हुआ तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी टायर में, और टायर खराब करने से बढ़िया है एक बार चेक करके ठीक करवा लिया जाए। तो पार्किंग में लगा के चेक करते हैं, मेरी समझ में तो वैसे कमी आ गई क्या हुआ क्या ना, पर फिर भी अपने तरफ से देखूंगा, नहीं तो फिर जतिन देखेगा भाई और तो क्या ही कर सके। पर धूप बहुत तेज है आज भाई, मतलब रात में ठंड बहुत तेज थी, अब जब धूप निकली तो धूप भी बहुत तेज है, और मेरे हिसाब से ना इस बार इतनी ज्यादा ठंड पड़ेगी जितनी आज तक पड़ी ना होगी, क्योंकि अभी जो जिस हिसाब से हवा चल रही है दो तीन दिन से और रात में ठंड रह गए भाई, मैंने तो एक रजाई में तो ठंड सी लगा है, मेरे ऑफिस पर जो रजाई रख रखी है ना वो पतली सी है बिल्कुल, अब या तो देख जाऊंगा मम्मी तो कहूंगा मम्मी कोई गर्म रजाई दो, उसमें डबल करूंगा या फिर एक सिंगल ही रजाई लेके जाऊंगा मोटी सी कैडी। फिलहाल तो गाड़ी पार्क करके टायर का सदमा झेल लेता हूँ मैं कि क्या हुआ क्या नहीं। पहले जब मैं अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करे करता तो मेरे को ना पहले एक बार बैक ले मतलब ऐसे थोड़ी सी इधर ली फिर एक बार बैक लेनी पड़ी करती, क्योंकि उधर साइड यो खंबा है यो वाला और इधर साइड यो गाड़ी खड़ी रहा है, मेरे को बैक लेनी पड़ी करती, लेकिन आजकल तुम्हारा भाई इतना बड़ा खिलाड़ी होगा कि एक बार में लगा दूं मैं इसने बिना किसी दिक्कत परेशानी के। फिलहाल एक बार टायर चेक कर लेते हैं कुछ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ना बहुत गहरा सा वो गड्ढा था, जो यो जड़ रहा है ना जो हिस्सा जो ब्लैक पड़ रहा है यो पड़ रहा है मेरी वजह थी, क्योंकि जब मैंने एक बार हैंड ब्रेक खींच के ले गया था ना इसने ऑफिस तक तो इसमें धुआं निकल रहा था, इतनी ज़्यादा आग सी लग गई थी, वैसे इसमें अभी कोई दिक्कत लग ना रही मेरे को देखने में तो, पर मेरे को पता भी तो ना है कि कहाँ की दिक्कत हो कर है, क्योंकि आवाज़ तो आई थी गड्ढे में एकदम, तो दिक्कत सी तो आई थी, पता ना कुछ ना है भाई मेरे को तो पता चलना रहा, जतिन देखेगा मेन सब क्या है क्या नहीं, अपना काम है तोड़ने का, उसका काम है संभालने का, वो संभाल रहे। कौन सा गेम चल रहा है? पैसा कमा रहा हूँ, मतलब काम कर रहा हूँ, अंदर आया हूँ अभी मैं GTA में, थोड़े बहुत पैसे कमाऊंगा उसके बाद गाड़ी लेऊंगा फिर अलग ही साल को बनाऊंगा। अभी भी लेगा इसमें अभी भी? अच्छा जी चलो खरीद लो भाई GTA, मतलब ये गेम जो रहवे प्रमोशन ना कर रहा मैं वैसे बता रहा हूँ कि इसमें भी वो रहवे कि गाड़ी वाड़ी खरीद लो ये कर लो वो कर लो, मार तो समझ मेरे कम समझ में आवे ये चीज गेमिंग का थोड़ा सा इसमें नहीं जाता है। मैं तो एक काम करता हूँ नहा लेता हूँ प्रोटीन पी के अपने कुछ खा पी के, यार मैं अपना लाल वाला बैग ना लेके गया वरना सुबह सुबह प्रोटीन पी लेता, क्योंकि डाइट जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा जरूरी है, और डाइट जितना सीरियस ले लूंगा मैं उतना बढ़िया है, वरना तुम्हें पता ही सिस्टम खराब हो जाएगा। हाथ देख रहे हो कैसा लाल सा पड़ के और खून सा जमगा, मैंने हाथ धो लिए बाथरूम में जाके मम्मी जी,
मेरे कमरे का बाथरूम खराब है क्या मेरे बाथरूम में, वो मतलब बाथरूम ना खराब है जो वो टूटी है ना, उसने अगर मैं जैसे दो साइड रहा है, एक साइड ठंडी आएगी एक साइड गर्म आएगा है ना, अगर उसने गर्म वाली साइड करके चलाऊँ ना तो इतना ठंडा पानी आवे जैसे बर्फ, बल्कि ठंडी की साइड चलाऊंगा तो नॉर्मल आएगा, गर्म वाली साइड चलाते ही तो हाथ ऐसे नू काप गए, साबुन सी लगाई वो ऐसे लगी 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 लगी, ठीक करवा दो यार किस दिन मम्मी जी, मैं ठंड तो बेहोश हो जाऊंगा जब बढ़िया रहेगा है, लो पैर दबा दो आपके, कितने दिन हो गए अभी हफ्ता भर हुआ है, लो भाई अभी कोई बात वही करे ना, मर्जी तो आज दबाए लाओ, चलो रुको थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ मैं, मम्मी एक काम कर दो बस मैं लोअर पहन रही हूँ, मम्मी की चल रही है भयंकर शॉपिंग, कई दिनों तक, कई दिनों तक ना, कई महीनों तक, कई सालों तक, समझ लो चल रही है कि भाई जाना है, दो तारीख ना जाना है तो अपने आप, अभी भी मम्मी एक फोन में लेट लेट वो ढूंढ रही थी टोपा, देखा मम्मी ने तो वो ऊन का सा वैसा जो ऊन ही से टोपा रहेगा, एक तो टोपा भी होगा और गले में ढकने का भी होगा, उसी टोपा में पता ना कुछ सिस्टम है कि मुंह मुंह खुला रहेगा इतना, टोपे का सिर भी ढक जाएगा और गला भी ढक जाएगा इतने से भी, अच्छा दोनों अलग अलग चीज है, देखने में तो एक जैसी लग रही थी, अरे तो छोरा कहा है सिस्टम, छोरियों कहा है, छोरा छपरा है, देखना भाई छोरा ना ये छोरी है कि यो कैसी छोरी है, छोरा जैसी छोरी है, पर सही लग रहा है, मंगवा लो दो तीन चीज लेके जाना भाई, बर्फ बर्फ भी पड़ेगी, अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जानी चाहिए क्योंकि वहां जाकर नुह मान लो एक टोपा ले गए और फिर वो भीग गया किस तरह बर्फ बर्फ में गिर गया तो फिर नु थोड़ी उधर सूखने का वेट करोगे, दो तीन चीज एक्स्ट्रा लेके जाना अपनी, मम्मी ने अपने कमरे में जो ये मैट से ला रखा है ये मैंने बंद कर दिया अभी तो, पर ये गर्म कर लिया है, दांत ले पूरी गर्मी ले रहा मैट की, पूरा फायदा उठा रहा मम्मी, किस चीज के टी शर्ट के, अरे यार ये कहां थे मैं फटी फटी, कई बार पता है ना कोई कोई कपड़ा निकल गया मम्मी, हां कोई टी शर्ट ऐसी ला के को के यार तो छोटी ना आयो पहनाना इसका मम्मी, अरे तो कोई 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 कपड़ा रह जो हो जाएगा ना छोटा क्यों होगा, अब वैसे भी हमने शरीर अभी वो छोटे होना रहे कपड़ा, हम ही फैलते जा रहे हैं तो और क्या? सही बात है ना बिल्कुल है ना, दांत ना फैलना है नु चौड़ा ना लंबा ना हो रहा, अरे चौड़ाई में भी बड़े हैं तो भी तो वो साइज चौड़ाई में ना 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 तू फैल ले, तू तू तो ना फैल रहा, तू फैल, मैं भी फैल रहा हूँ, मैं अपनी थोड़ी मना कर रहा हूँ, मैं भी फैल रहा हूँ, 97 किलो का ऐसी थोड़ी होगा यो, पर इतना खराब हो चुका है इसका शरीर इस टाइम, 90 किलो है तू, 90 किलो वैसे कैसे करो इतना वेट बता, अच्छी बात अम्मी है, यो बेरा क्या कर रहा है, यो सोवे रात सुबह मतलब 3 बजे उठा है दोपहर में, फिर यो गेम वेम खेलने में बैठ जावा, 4 बजे उठा है, 4 बजे उठ के फिर गेम खेलने बैठ गया, फिर शाम ने फिर मतलब नहीं रात ने सोगा 2-3 बजे जो भी, 4 बजे सोया है यो, और अब 4 बजे उठा, 12 घंटे सोता, 12 घंटे हो है राक्षस हम भी हो, मैं बता रहा हूँ एक काम करो, एक काम करो मैं बताता हूँ मम्मी सही जुगाड़, मैं बताता हूँ एक डंडा लेके इसने बांध के, हाँ घर पे पीछे रखने का देखना, इसमें की है काम करो पर अपने शरीर ने देखते हुए काम करो भाई, तुम्हें भी बता रहा हूँ जो भी देख रहे हैं, शरीर ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, नहीं तो कुछ भी ना है, क्या है भाई, अब शरीर खराब होगा तो पैसा लगाते रहो, अब मान लो तुम अंदर थी कोई ऐसी बीमारी होगी पता ही ना चले, अब ऐसा नु है कि भाई हाथ कट गा तो फिर भी दिखता रहेगा कि हाथ में कट लग रहा है, भाई ठीक हो जाएगा, अब अंदर थी कोई ऐसी बीमारी जो दिखी ना रही तो उसको कैसे पता चलेगा ना मम्मी, इसलिए अपने एक्सरसाइज करते रहे करो, जो जो लोग दारू वारू ज्यादा पी रहे हैं वो दारू वारू कम कर दो, अपने बढ़िया शरीर रहेगा तो ठीक रहेगा ना भाई मम्मी, कोई भी चीज तो सारी चीज अच्छी लगे, बिल्कुल सही बात, ठीक है अभी जिम जा रहा हूँ, चल लिखा चल लिखट लिखट नहा जा रहा हूँ, इसके बस की ना मम्मी, दांत लेके कुछ भी हो बस बोल सके, जाऊंगा पटियाला बोल सकू पटियाला इतने तो सारे काम सेट है, हाँ उसके बाद फिर अभी पड़ जाएगा जाके, मैं तो थोड़ी देर लेट रहा हूँ, मैंने कहा यार ये मैट से लगा लू, मैं चल थोड़ी देर लेट लू, फिर मैंने तो गीजर भी ऑन कर दिया मम्मी अपना, शायद पता ना करा ना करा भूल गया यार, पर कर दूंगा अभी जाके, और ना करा होगा तो ना के और फिर जिम जाऊंगा मैं डेली ना नहा रहा हूँ आजकल, बताओ ना चलो नहा लिया फिर भी ठीक है, देखना के दिखाना के, पर फिर भी ये है कि नहा धो के साफ ढंग रहना चाहिए, दिन में रहे और दिन में तो मांडो भूत बने और रात में नहाओ सो, जब अपने तो हम अपने पापा गए ना ना दो पापा का भी ऐसे रह करता कि जब कहीं बाहर जाए करते ना किसी बाहर लो किसी ब्याह में प्रोग्राम में जाना है तो चल जाए करते चप्पल लोअर टी शर्ट पहन के, अरे यार अब आया 10 मिनट होगा ना किए, और जब सोना हुआ करता ना जब कह करते नए कपड़ा लिया भाई पहन के और फिर सो जाए, अरे जब मन कह दी जाना अभी लेकर आते
पैर के सो जाया करते और फिर जब जाने की बार आया करते ना फिर उनको यार चेंज करके जाऊं इसमें थोड़ा सा ऐसा है फिर चेंज करके जब जाया करते फिर बदल के जब जाते सब कुछ अपनी जगह पे ठीक है बस यो 6 बजे तक भी पहले यो अंधेरा हो जावे ना यो गलत है यार मतलब इतनी जल्दी ऐसा लगा जैसे रात से होगी हो। एनीवेज गाइस मेरा पानी गर्म हो चुका है मैं नहा लेता हूँ अगर मेरा मूड सा बना तो नहीं तो मैं बिना नहाए निकलता हूँ जिम में भी नहा सकता हूँ दोनों ऑप्शन है मेरे पास तो देख लूंगा जैसे भी करूंगा। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं खत्म। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए सेहत के लिए ठीक रहता है बस मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैंने पीना शुरू करा तो मैंने कहा तुम्हारे साथ भी शेयर कर दूं भाई फायदा हो रहा है तो मेरा अकेले के ना हो तुम्हारा भी हो ठीक है। मेन चैनल पर वीडियो आने वाली है संडे को आ रही थी लेकिन वो थोड़ा सा डिले होगा मतलब आज थोड़ा सा कैंसिल होगा शूट एक तरह से लगा लो। अब एक सीन मैं रात को भी शूट करूंगा कल भी परसों भी 2-3 दिन का शूट चलेगा 24 तारीख को वीडियो आ जाएगी किसी भी हाल में तुम्हारे सामने 23 की कोशिश करूंगा लेकिन 24 को 110% 24 को आएगी तो तैयार रहना। पुलिस वाली जो वीडियो थी उसका सेकंड पार्ट कुछ भूल गए होंगे देख के कि भाई बहुत दिन हो गए पर 24 तारीख को आ जाएगी ठीक है। और मेरी वीडियो आ जाएगी गाइस 27 तारीख को 2,00,000% अच्छा चलो देखेंगे इसकी गारंटी मैंने ले रहा क्योंकि ये बहुत आलसी है तुम्हें पता ही 3 दिन महीने में वीडियो करे पर मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ तो नई वीडियो के साथ मिलते हैं मेन चैनल पर बहुत जल्दी और जो वो रेसिंग वाला सिस्टम है वो जल्दी करेंगे एक आध दिन में जैसे भी रहेगा ठीक है। मैं करवाऊंगा BMW वर्सेस फॉर्च्यूनर करवाएंगे तेरे ठीक है फॉर्च्यूनर फाड़ देंगे का दिक्कत करना है इतना स्पेस छोड़ दूंगा अगर 1 किलोमीटर की रेस हुई ना तो 500 मीटर पीछे छोड़ दूंगा। चलो देखेंगे जैसे भी रहेगा। अरे एक बार स्कॉर्पियो और देखियो यार उसका वो टायर का जो था ना वो गड्ढे से चला हुआ पीछे टायर तो अलॉय में पता ना तो दिक्कत आ गई मैंने कैसा आवाज सी तो आई थी एक बार देख लियो जब जा रहे हैं देख लियो ठीक है। चलो अगले ब्लॉग में मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।